गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिजिक्स के फंडे चैनल में। क्वेश्चन क्या है आपका? ए बुलेट इमर्जेस फ्रॉम ए बैरल ऑफ लेंथ 1.2 मीटर विथ स्पीड ऑफ 640 मीटर पर सेकेंड एज्यूमिंग कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन द अप्रोक्सीमेट टाइम दैट इट स्पेंड इन द बैरल आफ्टर द बुलेट फायर। और ऑप्शन है आपके, क्या है आपका? ये बोल लो, यही आपका एक गन है और इससे ये गन है आपका, इसमें बुलेट है। यहां से यहां तक का गन, इसको बोलते हैं बैरल, समझ गए? बैरल का लेंथ कितना दिया हुआ है? यहां से यहां तक का लेंथ कितना दिया? 1.2 मीटर। और 1.2 मीटर है, और जब आउट होता है उसकी स्पीड कितनी होती है? जब यहां पे गन बुलेट जस्ट इमर्ज होता है, इसकी स्पीड कितना? 640 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बोला है कि यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा हुआ? यहां पे वेलोसिटी क्या, ये क्या हो जाएगा? यहां इमर्ज हो रहा है, ये क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी हो गया। और ये क्या? इनिशियल वेलोसिटी। अभी क्या है? रेस्ट, बुलेट क्या है? गन रेस्ट में। इनिशियली क्या है? गन और बुलेट रेस्ट में। जब फायर होता है तो उसमें बुलेट की वेलोसिटी क्या हो जाती है? 640 मीटर पर सेकंड, मींस इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और डिस्टेंस क्या हो गया? 1.2 मीटर। आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो भी कितना हो गया? 640 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस कितना हो गया आपका? डिस्टेंस हो गया आपका 1.2 मीटर। हमें क्या निकालना? टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या होना चाहिए? हमें क्या पता होना चाहिए? देखो, तीन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन के कैसे सोचते हैं, क्या क्या फॉर्मूला है? पहला होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसी का दो पार्ट होता है, s बराबर जब v को पुट करते हैं u प्लस v इंटू t बाई टू, और दूसरा क्या होता है आपका? s बराबर vt माइनस हाफ at स्क्वायर, अगर फाइनल वेलोसिटी दिया हो और एक्सेलरेशन दिया होती है। और तीसरा क्या होता है इक्वेशन? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, पहले आप एक्सेलरेशन निकालें फिर टाइम निकालें, या फिर डायरेक्ट इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, फाइनल वेलोसिटी दिया, t दिया, t निकाल लो, s दिया हुआ है। हम पहले शॉर्टकट करके बता देते हैं, हमें क्या है? देखो, हमें t निकालना है ना, एस बराबर क्या हो जाएगा? यू प्लस वी बाय टू इंटू टी। एस कितना आपका? 1.2। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है 640 बाय टू इंटू टी। यहां से क्या हो जाएगा? 1.2 640 बाय टू इंटू टी, क्योंकि 0 प्लस 640 कितना होगा? 640 हो गया। अब यहां से इसको क्या कर सकते हैं? 1.2 इंटू 2 बराबर 640 टी, 2.4 बराबर 640 टी। यहां से टी क्या हो जाएगा आपका? 2.4 बार 640। अब इसको डिवाइड करते हैं, 2.4 कैलकुलेट, 2.4 डिवाइड बाय 640, 0.37। देखो कितना आया, 0.00375 सेकेंड। इसी को अगर हम अप्रोक्सीमेट लिखें क्या लिखते हैं? 0.004 सेकेंड। और इसी को क्या लिखते हैं? 4 मिली सेकेंड। तो क्या होगा आंसर? बी, समझ गए? 4 मिली। क्या किए? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस, क्योंकि एक बार फोर्स लगा दिया क्या हो गया? एक्सेलरेशन इसकी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर u प्लस v बाय इनटू t बाय 2, s बराबर vt माइनस हाफ at स्क्वायर। इसी का दो फॉर्म होता है, तो आप इस फॉर्मूले को लगाए, s बराबर u प्लस v इनटू t, और निकाल दिए। दूसरा तरीका क्या है इसी में? सुविधा
दूसरा है कि पहले आप s यहां से निकाल दें, s बराबर ut g स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as से हमें v कितना दिया, 640 दिया हुआ है का स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 2a हमें नहीं पता, और s कितना आपका 1.2 है, यहां से क्या हुआ 640 स्क्वायर बाय इक्वल टू 2 इंटू 1.2। यहां से एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है फिर क्या आएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और u तो 0 है, ये 1.2 है, u 0 है, t हमें नहीं पता, और एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां से क्या निकालें, 640 का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू 1.2 इंटू टी स्क्वायर। यहां से भी सॉल्व करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, ऐसे सॉल्व करो या ऐसे, यहां क्या होगा 4 into 1.2 divide 640 square t square, that's a t 4 into 1.2 by 640 ka whole square, t barabar kya hoga square root of 4 into 1.2 into 1.2 by 640, यहां से क्या होगा 2 into 1.2 by 640, यहां से अभी अगर आप देखोगे क्या होगा 2.4 by 640, इसको भी जोड़ो 0.00375 बराबर 0.004 सेकेंड बराबर 4 मिली सेकेंड, समझे, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे, लेकिन ये तरीका आपको एक्सेलरेशन निकालने का नहीं है, डायरेक्ट आप क्या निकालो t बराबर, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा, समझ गए, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा s बराबर कौन सा और सॉल्व कर, s बराबर u प्लस v बाय 2 इंटू t, इसे सॉल्व कर लो, कैसे आता है फॉर्मूला अगर आपको कंफ्यूजन है, देखो v बराबर क्या आता है u प्लस at और s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, होता है ना, यहां से क्या हुआ t कॉमन ले लो, क्या बचे u प्लस 1/2 at, s बराबर क्या होता है t 2u प्लस at by 2, यहां से क्या है आपका t u प्लस at by 2, और u प्लस at को क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं u प्लस v बाय, ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला, आपको u दिया हुआ, v दिया हुआ, s दिया हुआ, t निकल जाएगा, समझ गए, थैंक यू, और कोई डाउट हो तो फिर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर मेरा ये है, इससे भी आप डाउट पूछ सकते हैं 7361990990, थैंक यू।